दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि सिम कार्ड पोर्ट कैसे करें आसानी से 2024 में। यदि आपके सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं है तब आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपके सिम कार्ड में रिचार्ज है तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 दिन पहले, जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है जिस डेट को, उस डेट को 3 दिन पहले अपने सिम कार्ड को आप पोर्ट करा लिए, क्योंकि आपको फायदा रहेगा। जैसे कि आपका एयरटेल सिम कार्ड है, जियो में जाना चाहते हैं, चले जाइए 3 दिन पहले, रिचार्ज के 3 दिन पहले। तो सिम कार्ड तब पोर्ट होता है जब आपका सिम कार्ड 90 दिन हो जाता है। हर एक कंपनी में 90 दिन रहने के बाद ही दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं, पोर्ट की कोई लिमिट नहीं होती है। तो जब आपका सिम कार्ड रिचार्ज 3 दिन पहले कराएंगे तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि सिम कार्ड 3 दिन बाद ही पोर्ट होता है। 3 दिन का समय लगता है, तो 3 दिन का समय लगता है तो इसके लिए आपको 3 दिन, जैसे कि आप पहले पोर्ट कराएंगे तो आपका सिम कार्ड चलता रहेगा पुराना वाला, और जैसे ही बंद होगा नया सिम कार्ड जो भी आपको मिलेगा वो सिम कार्ड चालू हो जाएगा। तो इससे आपका बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप में रिचार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में आप कैसे पोर्ट कराएंगे। तो रिचार्ज नहीं है तो आपको सिम कार्ड पोर्ट कराना भी बहुत आसान है। इसके लिए सबसे सस्ते रिचार्ज कराने पड़ते हैं, ये आपकी मजबूरी है, नहीं कराएंगे तो यूपीसी कोड नहीं निकलेगा। तो सबसे सस्ता रिचार्ज होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं एयरटेल का, आपके पास सिम कार्ड है और एयरटेल के सिम कार्ड में आपको रिचार्ज कराना है सबसे सस्ता पोर्ट कराने के लिए, तो वो 155 रुपये ही कराना पड़ेगा, उससे सस्ता कोई रिचार्ज प्लान नहीं है। तो 155 रुपये में आप कराएंगे तो पोर्ट भी करा सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद जियो की बात करते हैं तो इसमें सबसे सस्ता रिचार्ज कराना है, यदि जियो से अदर कंपनी में जाना चाहते हैं तो रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे सस्ता जियो का भी रिचार्ज 149 ही है, ठीक है। तो 149 रुपये इसमें कराएंगे तभी पोर्ट करा सकते हैं। हम आपसे बताएंगे कि 149 रुपये कराना आपका मजबूरी है। और जब आपका सिम कार्ड पोर्ट हो जाता है तो पोर्ट में आपको 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिलता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। यदि आपका रिचार्ज है तभी 1 महीने फ्री मिलता है, और रिचार्ज करवाएंगे तभी 1 ही महीने फ्री मिलेगा, ये रिचार्ज का पैसा आपका व्यर्थ चला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपका 1 महीने का रिचार्ज मिलेगा, 1.5 GB डाटा डेली मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेगा पोर्ट कराने के बाद, ये बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन दुकान वाले आपसे पैसा ले सकते हैं। पैसे की बात करें तो दुकान वाले आपसे 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में ले सकते हैं। यदि आपका कोई कैंप वाला मिल जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है तो उस कंडीशन से वो आपका 30 से 40 रुपये या बिल्कुल फ्री में भी पोर्ट कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन रिचार्ज का पैसा आपसे लेगा ही, 100% गारंटेड है। तो आप किसी भी कंपनी से किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, जैसे कि एयरटेल से जियो में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जियो से एयरटेल में, लेकिन 90 दिन एक कंपनी में रहना पड़ेगा तभी आप जा सकते हैं, ये अभी आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि पोर्ट कराना बहुत आसान है। आप नज़दीकी दुकान पर जाइए, आधार कार्ड दीजिए, 2 मिनट में पोर्ट होगा, 3 दिन बाद सिम कार्ड चालू होगा। अदर स्टेट का सिम कार्ड 1 हफ्ते में चालू होता है, इसलिए घबराए नहीं। वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे।